हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फिफ्थ स्टैंडर्ड का यूनिट 4, द मैन इन द मून। सो दिस इज पोएम। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज एन इमेजिनरी पोएम। द पोएट इज इमेजिनिंग हिमसेल्फ इन द मून। तो यहाँ पर जो इस पोएम को जिसने लिखा है, जो पोएट है, उन्होंने इस पोएम में सिर्फ इमेजिनेशन किया है। वो कभी गए नहीं मून पर, सिर्फ इमेजिनेशन, यानी उन्होंने सोचा है उस चीज के बारे में। तो सोचते सोचते उन्होंने इस पोएम को बनाया है। सो ये पूरी इमेजिनेशन पोएम है, ये कोई रियल पोएम नहीं है, कोई रियलिस्टिक नहीं है। हमें यहाँ पर इस पोएम को पहले तो हम पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ विद मीनिंग हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मैन इन द मून एज ही सेल्स द स्काई इज अ वेरी रिमार्केबल स्कीपर। But he made a mistake when he tried to take a drink of milk from the dipper. He dipped right out of the Milky Way and slowly and carefully filled it. The big bear growled and the little bear howled and frightened him so that he spilled it. So students, इस poem में क्या है? जो man in the moon है, जो man moon में गया था, तो वो वहाँ पर कैसा? एज ही सेल्स द स्काई, तो जो वो मैन था वो मून में सेल कर रहा था। सेल यानी क्या? फ्लोट, फ्लोट करना। जैसे अब हम रिवर में जाते हैं तो बोट रहती है वहां पे, या तो शिप्स जो बड़ी बड़ी होती है वो समंदर में कैसा सेल करती है, यानी कि मतलब फ्लोट कर रही है, वो स्मूथली वहां पर तैर रही है, तो उसे सेल्स कहते हैं। और दूसरी हम इजी वर्ड हम देखेंगे तो फ्लोट होता है। सेल्स का मतलब फ्लोट, यानी कि एक जो शिप या तो छोटी सी बोट है वो रिवर या तो स्ट्रीम या तो सी के अंदर जो शिप है वो फ्लोट कर रही है, यानी तो सेल कर रही है। तो जैसा वो द मैन इन द मून, जो वो मून, जो मैन है मून में, वो कैसा सेल कर रहा है इन द स्काई, वो स्काई पे सेल कर रहा है, यानी वो स्काई में फ्लोट कर रहा है। इज अ वेरी रिमार्केबल स्कीपर, और जो वो फ्लोट कर रहा है वो कौन है? इज अ वेरी रिमार्केबल स्कीपर। रिमार्केबल यानी नोटिसेबल, यानी जो हर चीज में ध्यान देते हैं, बहुत ही एकदम परफेक्ट रहते हैं हर चीज में, तो उसे रिमार्केबल कहते हैं। और इजी वर्ड में हम देखेंगे तो रिमार्केबल का मतलब है नोटिसेबल, यानी कि ध्यान देने वाला। स्कीपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीपर? स्कीपर इज द मीनिंग कैप्टन ऑफ शिप। कैप्टन ऑफ शिप, जो कैप्टन होते हैं शिप के, उन्हें स्कीपर कहते हैं। सो दिस मैन इज अ रिमार्केबल एंड स्कीपर। रिमार्केबल यानी बहुत अच्छा है, यानी नोटिसेबल है, और स्कीपर यानी वो कैप्टन भी है। तो जो ये मैन है मून में, वो सेल कर रहा है, सेल्स द स्काई, इज अ वेरी रिमार्केबल स्कीपर। बट ही मेड अ मिस्टेक व्हेन ही ट्राइड टू टेक अ ड्रिंक ऑफ मिल्क फ्रॉम द डिपर। बट उसने सिर्फ एक ही चीज में मिस्टेक कर दी। मिस्टेक यानी उसने एक ही गलती कर दी, कि उसने कोशिश की थी अ ड्रिंक ऑफ मिल्क, यानी कि उसने उसे पीना था एक मिल्क, यानी वो दूध पी रहा था। तो कैसा उसने डिपर, डिपर यानी कि स्पून या स्कूप जिसे कहते हैं, उसे डिपर कहते हैं। तो ये जो मैन इन द मून है, वो उसने एक ही गलती क्या कर दी है, वो कोशिश कर रहा था पीने के लिए दूध, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू ड्रिंक द मिल्क, बट क्या हुआ, उस डिपर से वो ले रहा था। सो यहाँ पर डिपर, डिपर यानी स्पून या स्कूप। He dipped right out of the Milky Way and slowly and carefully filled it. और तो जब उसे मिल्क पीना था तो उसने डिपर को लिया, डिपर, और फिर उसने डिप किया अंदर। डिप यानी कि मतलब डूब जाना। अब कैसा, अब हम जूस या तो अगर हम मिल्क लेते हैं तो हम पहले स्पून लेते हैं, और वो स्पून से हम निकाल के ग्लास में या तो बाउल में डालते हैं, तो उसे डिप्ड करते, डिप यानी डूब जाना, या तो उसे डुबाना। तो अगर हम चाय और बिस्किट भी हम जब नाश्ते में लेते हैं, तो हम जो हमारी बिस्किट रहती है उसे डिप करते हैं चाय में, तो उसे कहते हैं डिप। सो ही डिप राइट ऑफ द मिल्की वे, और उसने उस मिल्की वे के अंदर उसने उस स्कूप को, स्पून को लेकर उसने डिप किया। एंड स्लोली एंड केयरफुली फिल्ड इट, और उसने स्लोली और केयरफुली यानी उसने बहुत धीरे से और दम ध्यान से उसने उसको भरा। फिल्ड क्या यानी उसने उस चीज को भरा, यानी मिल्क को मिल्की वे में से लिया। The big bear growled and the little bear howled. So यहाँ पे the big bear growled and the little bear howled. Growled and howled का एक ही मीनिंग होता है। Growled यानी क्या? यानी a type of sound, या तो एक बहुत ही बड़ी आवाज जो आती है उसे growled कहते हैं, और howled का भी same मीनिंग है।
बट डिफरेंस इज वॉट द बिग बेर ग्राउंड, जो बिग बेर था यानी जो वो बड़ा बेर था उसने ग्राउंड किया, एंड द लिटिल बेर जो वो छोटा बेर था उसने हाउल्ड किया, बिकॉज द बिग बेर ग्राउंड, ग्राउंड यानी उसने बहुत तेज आवाज निकाली, बिकॉज वो बड़ा था तो बड़ा बेर ने उसने बहुत बड़ी आवाज निकाली, और छोटा बेर था उसने हाउल्ड किया यानी उसने छोटी आवाज निकाली बिकॉज वो लिटिल था यानी छोटा था. सो स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इज द मैन इन द मून. सो वी कैन सी ये जो मैन है उसके हाथ में क्या है, एक स्पून टाइप का है, ये उसके हाथ में एक स्पून टाइप का है. तो उसने उस मिल्की वे में अपने डिपर को, ये डिपर है, उसने अपने डिपर को उसने डिप किया मिल्की वे में, और उससे अचानक उसने बहुत ही ध्यान स्लोली उसने किया और उससे आवाज आई, द बिग बेर ग्राउंड यानी एक बहुत ही बड़ा जो भालू है ना, यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं कि एक बेर टाइप का लग रहा है जो बड़ा बेर है, उसने चिल्लाया और यहाँ पर छोटा बेर है. सो स्टूडेंट समटाइम्स हम लोग कभी शाम के वक्त या तो दोपहर के टाइम जब क्लाउड्स होते हैं, पर मोस्टली ये शाम के वक्त हमें दिखता है कि जो हम कभी कभी देखते हैं आसमान में यानी कि स्काई में कि क्लाउड्स जो होते हैं वो कभी कभी कुछ शेप्स हमें बताते हैं, कभी वो एनिमल के शेप में होते, ये तो कभी कहीं सारे अलग अलग शेप में भी हमें दिखते, पर वो हमारी इमेजिनेशन होती है, वो हमें लगता है कि सच में यहाँ पर कुछ है, यानी कि वो जो क्लाउड है, जो क्लाउड है वो हमें कुछ बता रहा है, यानी वो हमारी इमेजिनेशन हो जाती है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये स्काई में यहाँ पर एक बड़ा सा बेर है और यहाँ पर छोटा बेर है, तो एंड फ्राइटेंड हिम सो दैट ही स्पिल्ड, तो जो वो द बिग बेर ग्राउंड एंड लिटिल बेर हाउल्ड, तो जो वो इन्होंने चिल्लाए, तो छोटा और बड़ा बेर ने चिल्लाए तो वो डर गया, फ्राइटेंड यानी अफ्रेड. सो दैट ही स्पिल्ड इट, स्पिल्ड यानी स्प्रेड, तो जो उसने स्पून लिया था तो स्पून से उसने जो मिल्क लिया था वो डिपर से उसने लिया, और अचानक से उसे आवाज आई एक बिग बेर की और छोटे बेर की, तो वो डर गया और जो उसके हाथ में जो स्पून था तो स्पून के अंदर जो मिल्क था वो बिखर गया. अब वो मिल्क क्या था, वो स्टार्स थे, मिल्की वे में से उसने कहीं सारे स्टार्स लिया था और वो स्टार्स यहाँ पर बिखर गए. वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि उसने उस मिल्की वे में से मिल्क लिया और वो मिल्क क्या था, स्टार्स थे. सो स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक डिपर है, यानी जो स्पून जैसा होता है, ये पिक्चर है डिपर का, यानी जो स्पून या स्कूप होता है इसे डिपर कहते हैं. सो स्टूडेंट्स ये पोएम थी हमारी द मैन इन द मून, इजी पोएम थी और ये पूरी इमेजिनेशन वाली पोएम थी, जो पोएट ने बहुत इमेजिनेशन कर करके इस पोएम को बनाया है. सो स्टूडेंट्स होप आपको समझ आई होंगी इस पोएम में, पोएम के बारे में क्या है, इस पोएम में क्या लिखा है. सो स्टूडेंट्स अभी हम जो राइमिंग वर्ड्स है उसे ढूंढेंगे. सो फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स, फर्स्ट लाइन में राइमिंग वर्ड्स नहीं है. सेकेंड हम देखेंगे स्किपर, यहाँ पर हमें फर्स्ट पैराग्राफ में स्किपर एंड यहाँ पर डिपर, ये दो राइमिंग वर्ड्स है. सो दिस इज स्किपर एंड डिपर इज राइमिंग वर्ड, एंड ड्रिंक एंड मिल्क इज ऑल्सो राइमिंग, डिप्ड एंड फिल्ड इज ऑल्सो राइमिंग, and even filled and spilled is also rhyming, filled and spilled. So this much was our rhyming words. Now we will see the meanings. Here are the meanings. Read the following. Skipper, skipper yani kya, captain of a ship or boat, yani ek jo bahut badi jahaz aur jo boat hoti hai uska captain, use skipper kehte hain. डिपर, दिस वर्ड हैज टू मीनिंग्स, यानी डिपर इस वर्ड के दो मीनिंग है. पहला डिपर मीन्स अ कंटेनर फॉर टेकिंग आउट वाटर, जब हमने वीडियो में हम देखा जो वो चम्मच टाइप का जो था स्पून, जो बिग लॉन्ग बड़ा था स्पून, उसे डिपर कहते हैं, जिससे पानी या कोई लिक्विड निकाल सकते हैं उसे डिपर कहते हैं. ऑल्सो देर आर टू कंस्टलेशंस कॉल्ड लिटिल डिपर, लिटिल बेर एंड बिग डिपर, बिग बेर इन द स्काई,
अलग वर्ड है, यानी डिपर का अलग वर्ड है, एक लिटिल यानी लिटिल बेर एंड बिग डिपर यानी बिग बेर एंड लिटिल बेर यानी लिटिल डिपर यानी कि लिटिल बेर एंड बिग डिपर यानी कि बिग बेर। मिल्की वे द बैंड ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द स्काई एट नाइट। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज मिल्की वे? मिल्की वे का मतलब क्या है? मिल्की वे इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स आर बाउंड टूगेदर, यानी कि आसमान में रात के वक्त अनगिनत यानी बिलियंस यानी बहुत सारे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो वहां पर कहीं सारे जो स्टार्स एक साथ गैदर हो जाते हैं यानी दे फॉर्म अ बिग बाउंड यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स जिसमें रहते एकदम सर्कल टाइप का होता है वो मिल्की वे, तो वहां पर वो एकदम एक टुगेदर यानी फॉर्म हो जाते हैं, तो कहीं सारे स्टार्स 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 होते हैं तो उसे मिल्की वे कहते हैं। So students, now we are done with the poem, The Man in the Moon. Hope you like the video and understand the poem. So subscribe to our channel, like, share and comment, share with your classmates and with your friends. Thank you.